मजहबी रवादारी की सदियों पुरानी रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं कश्मीर के लोग। बॉर्डर एरिया के काश्तकार अब जीरो लाइन पर कर सकेंगे काश्तकारी, मिली मंजूरी। और वर्टिकल गार्डन तैयार कर माहौलियात को तहफुज फराहम कर रही डॉक्टर नाजिया रसूल। नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ शबनम हसन और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। सबसे पहले हम बात जम्मू कश्मीर की उस रिवायत की करते हैं जिसे दुनिया कश्मीरियत के नाम से जानती है। कश्मीर को सूफियों की वादी कहा जाता है और सूफी संतों ने इंसानियत को आला दर्जा दिया है। आपसी मेल मिलाप और भाईचारे को फरोग देना और मजहबी रवादारी कायम करना इसका अहम मकसद है। सूफी संतों के इस फलसफे को यहाँ के लोगों ने अपना उसूल बनाया। ये इत्तेफाक नहीं है कि कश्मीर के हालात चाहे जैसे भी रहे हों, मगर यहाँ की सदियों पुरानी रिवायात पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा है। किस तरह से यहाँ के बाशिंदे अपनी उस रिवायात को फरोग देने में जुटे हैं, उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर मुस्लिम अक्सरियत वाला खित्ता है, इस्लाम यहाँ का अहम मजहब है। 14वीं सदी के सूफी संत वस्ती एशिया और फारस से होते हुए इस्लाम को यहाँ पर लेकर आए। इस्लाम अहम मजहब होने के बावजूद यहाँ पर तमाम मजहब मिल्लत के लोग रहते हैं और अपने मजहब पर अमल करने में उन्हें कभी कोई परेशानी पेश नहीं आई। मुख्तलिफ मजाहिब में ताल्लुक रखने के बावजूद उनमें यकजहती है, मजहबी रवादारी है और इसी को दुनिया कश्मीरियत के नाम से जानती है। मेरा मुशाहिदा भी है या मैंने अपने बुजुर्गों से भी सुना है कि उमूमी तौर पर हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कि मतलब किसी इंसान का एक अलग मजहब हो सकता है और मेरा एक अलग मजहब हो सकता है। हालांकि ज़ाहिरन इसमें बहुत डिफरेंस है, एक मजहब के अतवार और तौर तरीके जो होते हैं, जो हमको सिखाता है, आदाब सिखाता है और इसके अहकाम जो होते हैं ये मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जो है अंदर से जो उसका सीड है, कैरनल है इस मजहब का, वो शायद एक ही है। जुनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में ये पंडित बिरादरी का कुनबा है। इनके आसपास बड़ी तादाद में मुस्लिम बिरादरी के लोग रहते हैं और इससे वो यहाँ पर इत्मीनान के साथ रहते हैं। कुनबे के मेंबरों को कभी किसी बात की कमी नहीं खलती है। घर के पास एक मंदिर है जहाँ पर वो अपनी इबादत करते हैं। मुस्लिम बिरादरी के बीच रहते हुए ना तो उन्हें अपनी मजहबी रसूमात को अदा करने में कभी कोई परेशानी पेश आई और ना ही कभी इस बात का एहसास हुआ कि वो यहाँ पर पराए हैं। मैं बचपन से यहीं रहता हूँ कश्मीर में, यहीं की मेरी पैदाइश है और मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और हमारा यहाँ पे हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार रहता है। हमारा मतलब हर भाईचारा हमारा अच्छे से रहता है सबके साथ और हमारे साथ भी सबका भाईचारा ठीक रहता है और हमको किसी चीज की यहाँ पे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई आज तक। पुलवामा जिले का दहशतगर्दी से मुतासिर जिलों में शुमार होता है। यहाँ पर रहने वाले दूसरी बिरादरी के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग उनका पूरा ख्याल रखते हैं, उन पर कभी आंच ना आने पाए इसके लिए वो ढाल बनकर उनके साथ खड़े रहते हैं। उनके आपसी भाईचारे का ही नतीजा है कि यहाँ पर रहने वाले पंडित बिरादरी के लोग खुद को महफूज महसूस करते हैं। हम बचपन से एक दूसरे के साथ अच्छे से रह के आए हैं और हम एक दूसरे के साथ त्यौहार मनाते हैं, हम इनके घर जाते हैं त्यौहारों पे, हमारे घर आते हैं, ऐसे करते आए हैं हमेशा और हम इसको आगे भी ऐसे ही इंशाल्लाह निभाते जाएंगे। और हमारा कोई भी जो इनका हमारी ईद हो, इनकी होली हो, हम साथ में मनाते आए हैं और इसको साथ में मनाते जाएंगे। यहाँ की मजहबी रवादारी सूफी संतों की देन है। इंसानियत को आला दर्जा देना ही तसव्वुफ है। तसव्वुफ यहाँ के लोगों की जिंदगी में रचा बसा है, लोगों पर उसका गहरा असर है। सूफी संतों की दरगाहों पर तमाम मजहब मिल्लत के लोग पहुँचते हैं और मजहबी रवादारी की मिसाल कायम करते हुए उनके तईं सच्ची अकीदत पेश करते हैं। ये यहाँ की सदियों पुरानी रवायत है और अपनी रवायत को आगे बढ़ाने में लोग हमेशा से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। वो तसव्वुफ ही है जिसने यहाँ के लोगों को एक धागे में पिरो कर रखा है और इसी की वजह से यहाँ का भाईचारा आज तक मिसाल बना हुआ है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के इंटरनेशनल बॉर्डर से मुंसली गांव के लोगों को राहत पहुंचाने की समत में किए जाने वाले इकदाम की।
काश्तकारी पर मुनहसिर यहाँ के लोगों की ज्यादातर जमीन फेंसिंग और डिफेंस लाइन के बीच वाक़ है। साल 2002 में पाकिस्तान फौज की जानिब से होने वाली जंगबंदी मुहिदे की खिलाफ वर्जी के बीच जान माल के नुकसान के खतरे के मद्देनजर इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। काश्तकारों को पेश आने वाली परेशानियों पर गौर करते हुए इंतजामिया की जानिब से एक बार फिर से उस जमीन पर काश्तकारी सरगर्मियां शुरू करने की उन्हें इजाजत दी गई है। इसका आगाज हो चुका है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर के इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया से मुंसलिक ये मनियारी गांव है। यहां के लोग काश्तकारी पर मुनहसिर हैं, लेकिन उनकी ज्यादातर जमीन फेंसिंग और डिफेंस लाइन के बीच वाक़ है। जीरो लाइन की अपनी जमीन पर वो खेती बाड़ी कर सके, इसके लिए वहाँ की जमीनी हकीकत को जानने समझने के लिए गुज़िश्ता दिनों कठुआ जिले के डिप्टी कमिश्नर ओपी भगत ने यहाँ का दौरा किया। इस मौके पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, महकमा ज़राअत और सरहदी इलाकों के पंचायती नुमाइंदों के बीच तमाम पहलुओं पर गौर करने के लिए एक मीटिंग का अहतमाम भी किया गया। बहुत बड़ा कदम होगा, बहुत सराहनीय कदम है जो हमने लिया है। दो तीन चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। एक तो किसानों की खेती हो जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसके बाद आप देखेंगे डिफेंस लाइन हमारी और मजबूत हो जाएगी, क्लैरिटी होगी सामने, उस तरफ उनके किसान काम करते हैं, इस तरफ हमारे किसान काम करते हैं, तो इससे पीस बहाली की तरफ, शांति बहाली की तरफ ही एक अच्छा कदम देखने को मिलेगा। काश्तकारी पर मुनहसिर लोगों को राहत पहुंचाने की सिमत में ये अहम फैसला किया गया है। काबिले जिक्र है कि इंटरनेशनल बॉर्डर की फेंसिंग लाइन और डिफेंस लाइन के बीच 125 मीटर चौड़ी और तकरीबन 8000 एकड़ काश्तकारी के लायक जमीन है। इतने बड़े रकबे में काश्तकारी की मंजूरी मिलने से यहाँ के काश्तकार बेहद खुश हैं, और हो भी क्यों नहीं, अब वो अपनी जमीन पर एक तो मुख्तलिफ किस्म की फसल लगा सकेंगे और उससे जो अच्छी पैदावार होगी उससे वो अच्छा मुनाफा भी कमा सकेंगे। ये यहाँ के लोगों की जिंदगी में बेहतर बदलाव लाने में अहम साबित होगा। 18-20 साल के बाद ये मौका मिला है। ये डीजी साहब जो आए हैं, इन्होंने हमारी मदद की है, तो उनकी वजह से ये काम हो पाया है। उधर हम बीएसएफ वालों का भी शुक्रिया करते हैं जिन्होंने ट्रैक्टर चला के आगे लोगों को जमीन काबिल बना दी। काबिले जिक्र है कि एक तवील अरसे तक यहाँ काश्तकारी से मुतालिक सरगर्मियों पर रोक लगी रही, इसे जमीन की जरखेजी बुरी तरह से मुतासिर हुई, लिहाजा इस जमीन में मुख्तलिफ किस्म की फसलों की अच्छी पैदावार को यकीनी बनाने के इकदामात किए जा रहे हैं। इसकी जुताई का काम शुरू हो गया है। इसकी जरखेजी को बहाल करने के लिए कम से कम 3 बार इसकी जुताई की जाएगी, ताकि एक तो मिट्टी हल्की हो जाए, साथ ही नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए। इस काम को हिफाजती अमले की जानिब से मुकम्मल किया जा रहा है। जो बॉर्डर के आगे फेंसिंग के आगे हमारी जमीन थी, बीएसएफ वालों ने ट्रैक्टर लगा के उसको प्लेन कर दिया है, और एक बड़ी खुशी होगी आज कि हमारा जो आगे खेत खाली पड़ा था, बंजर पड़ा था, वो बिल्कुल प्लेन हो गया और खेती के लायक कर दिया इन्होंने। इन्होंने बोला और भी हमारे से जो मदद होगी हम करने को तैयार हैं, और ये जिम्मेदारों के लिए एक बड़ी सुगात है। बीएसएफ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके सारी जमीन को आबाद कर दिया है। सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी फौज की जानिब से जंगबंदी मुहिदे की खिलाफ वर्जी आम है। पाकिस्तानी फौज के नापाक मंसूबों के बीच इन इलाकों के आवाम को पेश आने वाली परेशानियों से राहत पहुंचाने के लिए कई सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं। उन्हें इंडिविजुअल और कम्युनिटी बंकर्स की सौगात दी गई है। ये उन्हें गोलीबारी के दरमियान जानमाल के नुकसान को कम करने में मददगार साबित हो रहा है। उनकी हिफाजत को पुख्ता बनाने के बाद ही उनको अपनी जमीन पर काश्तकारी की मंजूरी दी गई है। और अब बात करते हैं हर घर तक नल से जल पहुंचाने यानी आवाम को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के मंसूबे की। शहरी इलाकों हो या दूर दराज का देही इलाका, यहाँ रिहायश पजीर लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए पुरअज़्म मरकजी हुकूमत ने जल जीवन मिशन के तहत अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। इस मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए बाकायदा एक वक्त भी मुकर्रर किया गया है, ताकि तय वक्त में इस हदफ को हासिल किया जा सके, यानी लोगों तक नल से जल मुहैया हो सके। इसकी नज़ीर श्रीनगर के इलाके में देखने को मिल रही है, जहां जल जीवन मिशन के तहत अमली इकदामात किए जा रहे हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
श्रीनगर के रिहायशी इलाकों में आजकल ये नजारा बेहद आम है। जी हाँ, गली मोहल्लों में जारी तरक्कियाती सरगर्मियों की ये मुहिम जल शक्ति महकमे की जानिब से चलाई जा रही है। इसके तहत आवाम को पीने का साफ पानी मुहैया कराया जा सके, इसके लिए कहीं नई पाइपलाइन डाली जा रही है तो कहीं पुरानी हो चुकी पाइपलाइन को तब्दील किया जा रहा है। मकसद बेहद साफ है कि हर घर को नल से जल मिल सके। इस नारे को हकीकी शक्ल देने के लिए जंगी सतह पर काम किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के जरिए हुकूमत का वाहिद मकसद यही है कि पीने के साफ पानी की दिक्कतों से दो चार आवाम को राहत पहुंचाई जा सके। 5-8 साल से हम परेशान हैं पानी के लिए, हम तरस रहे। ये गाड़ियों में लाते हमें पानी, हजार हजार लीटर देते चार चार दिन के लिए। अब उन्हें पुराने वो भूसीदा कंडम किया पाइपों का नया पाइप लाए। हम ए डबल ई का, एक्सन का और यहाँ मैडम साहब है, हम बहुत शुक्रगुजार उनके, उन्हें बहुत हमारे लिए काम किया। आवाम को पीने का साफ पानी मिले, ये उसका बुनियादी हक है। यही वजह है कि आवाम को पीने का साफ पानी मुहैया कराने को मरकजी हुकूमत ने अपनी अवलीन तरजीह बना लिया है। लिहाजा मरकजी हुकूमत ने तरजीह बुनियाद पर जल शक्ति वजारत की तश्कील को यकीनी बनाया और हर घर तक नल से जल मुहैया कराने के लिए बाकायदा जल शक्ति मिशन का आगाज किया। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है तो जल शक्ति मिशन के तहत जम्मू खित्ते को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुख्तस की गई। वहीं कश्मीर को तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए दिए गए और साल 2022-23 तक हर घर को नल से जल देने का हदफ रखा गया है। इसका असल मकसद यही है कि जो इस वक्त की पॉपुलेशन जिनके पास पानी है उनको अपग्रेड किया जाए और जिनके पास पानी बिल्कुल नहीं है उनको नल से जल फराहम किया जाए। 100% हाउस होल्ड कनेक्शन देने हैं, सबको कनेक्शन देना है और उस कनेक्शन में फिर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की लेवल जो कि मुकर्रर की गई है वही मुहैया करनी है। तो इस वक्त वादी में जो ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है, दिसंबर 2021 तक हमें हर घर नल से जल पहुंचाना है। आजादी के 70 साल गुजर जाने के बावजूद आवाम पीने के साफ पानी से महरूम है। इस बात को मरकजी हुकूमत ने समझा और आवाम को दरपेश इस मसले के इजाले के लिए संजीदगी का मुजाहिरा करते हुए जल जीवन मिशन पर पेशरफ्त को तेज किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें तो यहाँ नया निजाम कायम होने के बाद तरक्कियाती कामों में गैर मामूली तेजी आई है और इसकी एक मिसाल जल जीवन मिशन पर हो रही अमल आवरी है। इसका मकसद यही है कि आवाम को पीने के साफ पानी के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ती थी उसका जल्द अज जल्द इजाला हो सके। वो तो खुशी की बात है, अगर हर घर में जाते आप पता है कितनी, ये तो अगर इंसान पानी नहीं होता तो आज पानी के बगैर इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता कहीं। तो कितना अच्छा सिस्टम मानते हैं आप? नहीं, हम तो बड़े अच्छे सिस्टम मानते हैं, जैसे इंतजामिया का, जैसे डिपार्टमेंट का, जैसे हमारा गवर्नर इंतजामिया है, उनका भी शुक्रिया हम करते हैं और जो ये R&B ये ना जो PHE वालों का उनका भी शुक्रिया करें। हर घर तक पीने का साफ पानी मुहैया करा के हुकूमत ये वाजह करना चाहती है कि आवाम की बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने के लिए वो न सिर्फ संजीदा है बल्कि पुरअज़्म भी है। जल शक्ति मिशन का आगाज करके हुकूमत ने एक फलाही रियासत होने का सबूत दिया। यकीनन अवामी फलाह बहबूद हुकूमत का फर्ज होता है और हर घर तक नल से जल पहुँचाने का जो बीड़ा हुकूमत ने उठाया है उसने कौम के तई जिम्मेदारी को वाजह कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में कारोबारियों के कोरोना टेस्ट कराए जाने का किया इस्तकबाल, उन्होंने इसके दायरे को बढ़ाने की हुकूमत से की गुजारिश। उन्होंने कहा कि इससे बाजार को फिर से खोले जाने में मिलेगी मदद। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हेल्थ स्कीम का किया ऐलान। इसके तहत यूनियन टेरिटरी के सभी बाशिंदों का यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। 123 करोड़ का होगा ये बजट।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तिजारती बिरादरी को बड़ी राहत देने के मकसद से इकोनॉमिक रिवाइवल पैकेज देने का किया ऐलान। उन्होंने कहा कि बिजनेस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए बाकायदा एक कमेटी को किया गया है तश्कील। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को 4 लेन में तब्दील करने से मुतालिक तमाम रुकावटों को दूर करने के मकसद से अफसरों की मुख्तलिफ टीम की गई है तैयार। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के अहलकार ने दी इसकी जानकारी। और अब आपको हम रूबरू करा रहे हैं लेटेस्ट गैजेट से। स्मार्टफोन की तरह अब स्मार्ट वॉच भी लोगों की पसंद में शामिल होता जा रहा है। नए दौर के मुताबिक अलग अलग फीचर्स और स्पोर्टी लुक वाले स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल आम होता जा रहा है। गुज़श्ता दिनों एप्पल स्मार्ट वॉच की सीरीज 6 पर से पर्दा उठा दिया गया है। आइए जानते हैं इसकी खासियत के बारे में। एप्पल के स्मार्टफोन की ये 6th सीरीज है। इस कड़ी में इसके हार्डवेयर में बदलाव किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इसकी बुनियाद पर तेज परफॉर्मेंस, वाटर रेजिस्टेंस और बेहतर वायरलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। 42mm और 44mm के दो वेरिएंट इसमें मौजूद हैं। हाई पिक्सल रिजोल्यूशन वाली इस स्मार्ट वॉच से ब्लड के ऑक्सीजन लेवल को भी मॉनिटर किया जा सकता है। मुख्तलिफ रंगों में दस्तयाब इस स्मार्ट वॉच का स्पोर्टी लुक पसंद में आने लायक है। मुल्क में ये लोगों को मुहैया हो पाएगी या नहीं, इसको लेकर अभी कोई ऐलान नहीं किया गया है। और अब हम आपका तारुफ एक ऐसी खातून से करा रहे हैं जो शिद्दत से माहौलियात को तहफ्फुज़ अदा करने की कोशिश में जुटी हैं। वो खातून है जम्मू के गांधीनगर इलाके में वाकई गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन की टीचर डॉक्टर नासिया रसूल लतीफी। जम्मू यूनिवर्सिटी के अहाते में दीवारों के सहारे वर्टिकल गार्डन लगाने नासिया रसूल ने वेस्ट मैनेजमेंट का नायाब नमूना पेश किया है। जमीन का इस्तेमाल किए बगैर और प्लास्टिक की बोतलों से तैयार उनका ये बाग माहौलियात को तहफ्फुज अदा करने में भी अहम रोल अदा कर रहा है। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू यूनिवर्सिटी के अहाते में दाखिल होने के साथ ही एक अलग तरह का पुरसुकून एहसास होता है। माहौल में ताजगी का एहसास होता है और ये यहाँ पर मौजूद वर्टिकल गार्डन की वजह से होता है। मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे फूलों और पौधों से सजा ये गार्डन बेसाख्ता ही लोगों की तवज्जो अपनी जानिब रागिब करता है। यूनिवर्सिटी कैंपस में वर्टिकल गार्डन को तैयार करने वाली माहिर माहौलियात डॉक्टर नाजिया रसूल लतीफी लोगों को इस बात का पैगाम भी दे रही हैं कि किस तरह से जमीन का इस्तेमाल किए बगैर माहौलियात को तहफ्फुज अदा किया जा सकता है। गांधीनगर कॉलेज में पोस्टेड थी, गांधीनगर गर्ल्स कॉलेज है, तो वहाँ पे हमने दिखाया, प्रैक्टिकली दिखाया कि कैसे ये बनाना है, कैसे ये करना है, ताकि वो सीखें, वो अपने घरों में भी बनाएं। और उन्होंने अपने घरों में बनाया, मुझे बच्चों ने फोटोग्राफ्स भेजी कि जहाँ पे उन्होंने अपने घरों में बनाया है, तो ऑब्वियसली उन्होंने अपने घरों में बनाया, उनका एक तो एम्बियंस भी अच्छा हो गया और एनवायरमेंट भी जो है वो सेफ रह रही है। वर्टिकल गार्डन को तैयार करने के लिए डॉक्टर नाजिया रसूल प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करती हैं, फिर उसे मुख्तलिफ रंगों और शक्लों से वो उसे सजाती हैं। बोतलों का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि ड्रिप इरिगेशन के जरिए पानी का कम इस्तेमाल किए बगैर उसे हरा भरा रखा जा सके। इसके बाद उसमें फूलों और छोटे छोटे पौधों को लगा कर वो उसे गार्डन में लगा देती हैं। उनका ये तजर्बा कारगर साबित हुआ है और माहौलियात को आलूदगी से पाक बनाए रखने की उनकी कोशिशों की खूब तारीफ हो रही है। यूटिलिटी मिल रही है प्लांट्स की, एक आपको ऑक्सीजन मिल रही है, एक आपका रीयूज हो रहा है चीज़ों का। अदरवाइज यही 100 बॉटल्स या 300 बॉटल्स हम फेंक दें तो इट विल बिकम न्यूसेंस, ये न्यूसेंस बन जाएगी। और आपने इसको डेकोरेट कर दिया, एक आपकी यूटिलिटी हो गई है, आपका पोल्यूशन कम हो गया है, रिसोर्सेज मिल रहे हैं और सीनिक ब्यूटी आ रही है, एस्थेटिक वैल्यू तो है ही है इसकी। इस तरह के बाग लगाने के कई सारे फायदे हैं। एक तो इससे खूबसूरती बढ़ जाती है, माहौलियात को आलूदगी से पाक रखने में इससे मदद मिलती है, जगह का बेहतर इस्तेमाल हो जाता है और इसकी मौजूदगी से दबाव भी दूर होता है। ये वेस्ट मैनेजमेंट का नायाब तरीका है। डॉक्टर नाजिया रसूल जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस के अलावा
पुलिस पब्लिक स्कूल में भी इस तरह का बाग लगाने में अपना ताउन दे चुकी हैं। उनके तजुर्बे पर अमल करने में कई सारी ऑर्गेनाइजेशन दिलचस्पी दिखा रही हैं और ये माहौलियात को तहफ्फुज अदा करने के लिहाज से अहमियत का हामिल भी है। बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया है जो हम मतलब सभी घर में भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सॉलिड वेस्ट कितना फैला हुआ है पूरे J&K में, तो इसको देखकर हम घर में भी ये इनोवेटिव आइडिया सेटअप कर सकते हैं, जैसे इन्होंने मैम ने सेटअप किया है। जो सॉलिड वेस्ट है ये तो पूरा एनवायरनमेंट में फैल चुका है आजकल, ये तो बहुत बड़ा थ्रेट है इकोसिस्टम को जो ये प्लास्टिक वेस्ट है। तो फिर इस सेटअप को देखकर हम घर में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ ऑर्नामेंटल या ऑर्चिड्स नहीं या ये डेकोरेशन पर्पज़ के लिए नहीं, अगर इसको हम यूज़ करना चाहें तो इसमें हम कुछ मेडिसिनल प्लांट्स या फिर हम वेजिटेबल्स भी इसमें ग्रो कर सकते हैं जो हमारे किचन गार्डन एज ए आइडिया यूज हो सकता है। मुख्तलिफ किस्म के फूल और पेड़ पौधों से सजे बागात जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को मजीद बढ़ाते हैं। सियाहती मकाम के तौर पर इनकी अपनी मकबूलियत तो है ही, साथ ही माहौल में ताजगी पैदा करने में भी उनका अहम रोल है। मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधों को लगाने के लिहाज से यहाँ की आबो हवा भी मुफीद है और यहाँ के बागात की रौनक इसकी तस्दीक करती है। यहाँ की सियाहत को फरोग मिले और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए इसकी दरकार है। और अब आपको ले चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। बात सबसे पहले करते हैं अदाकारा मलाइका अरोड़ा के डांसिंग वीडियो की। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उनका ये वीडियो धमाल मचा रहा है। इसमें वो एक पुराने गाने पर सोनू सूद के साथ परफॉर्म करती नजर आ रही हैं। इस जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है और फैंस की जानिब से खूब पॉजिटिव कमेंट्स भी मिल रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। अदाकारा मलाइका अरोड़ा अपने यूनिक स्टाइल और जबरदस्त डांस के लिए जानी जाती हैं। गुज़श्ता दिनों उनका एक वीडियो रिलीज किया गया है जिसमें वो सोनू सूद के साथ अपनी डांसिंग स्टाइल से शायकीन को दीवाना बनाती नजर आ रही हैं। शायकीन इस वीडियो को खूब एंजॉय कर रही हैं। अदाकारा मलाइका अरोड़ा के हालिया रिलीज वीडियो में वो फिल्म दबंग के मशहूर गाने मुन्नी बदनाम पर डांस कर रही हैं। काबिले जिक्र है कि फिल्म दबंग के इस गाने पर उन्होंने परफॉर्म किया था और शायकीन की जानिब से उसे खूब पसंद भी किया गया था। एक बार फिर से उन्होंने इस गाने पर नए अंदाज में डांस करते हुए लोगों की पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया है। उनके हालिया रिलीज वीडियो में उनके साथ इस गाने पर सोनू सूद भी हैं, जो उनके डांसिंग स्टेप्स में उनका बराबर के लेवल पर साथ दे रही हैं। दोनों के बीच केमिस्ट्री कमाल की है। और अब बात सिंगर फिरोज समनानी के नए वीडियो सॉन्ग की करते हैं। रोमांस पर मबनी इस गाने के वीडियो को रिलीज कर दिया गया है। फिरोज समनानी इस गाने को अपनी सुरीली आवाज से तो सजा ही रहे हैं, साथ ही वो इस पर परफॉर्म भी कर रहे हैं। इस वीडियो को शायकीन की जानिब से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। राह देखते साहिल पर हमने शाम कर दी, अपना दिल और दुनिया आपके नाम कर दी। ये भी ना सोचा कैसे गुजरेगी जिंदगी बिना सोचे समझे। फिल्म वीर ज़ारा के मशहूर गाने से इंस्पायर होकर सिंगर फिरोज समनानी ने उसी तर्ज पर एक नया गाना गाया है। प्यार मोहब्बत पर बेस्ड इस गाने का वीडियो रिलीज कर दिया गया है। गीत संगीत में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए ये मेलोडियस सॉन्ग किसी तोहफे से कम नहीं है। तेरी बाहों का जो सहारा है ये मेरे दिल का गुजारा। समनानी का हालिया रिलीज वीडियो सॉन्ग फिल्म वीर ज़ारा के गाने से इंस्पायर्ड है। अदाकार शाहरुख खान के फैंस फिरोज समनानी ने उनके गाने तेरे लिए से इंस्पायर्ड होकर इस गाने को गाया है।
तेरे लिए हूँ मैं बोल वाले इस गाने को असलम सूरती ने कंपोज किया है। इस गाने को अमेरिका की बेहद ही खूबसूरत लोकेशन पर फिल्माया गया है। हाई क्वालिटी में शूट किया गया ये वीडियो सॉन्ग इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा रहा है। साथ ही फिरोज समनानी की आवाज का जादू भी शायकीन के सर पर चढ़कर बोल रहा है। इस म्यूजिक वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है। और अब बात अदाकार टाइगर श्रॉफ की करते हैं। एक्शन हीरो और डांसर के तौर पर बॉलीवुड में उनकी अपनी एक अलग शिनाख्त है, लेकिन अब लोग उन्हें सिंगर के तौर पर भी जानेंगे। जी हां, उनका हालिया रिलीज वीडियो इसकी तस्दीक कर रहा है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अदाकार टाइगर श्रॉफ अब अपने नए अवतार में लोगों के सामने खुद को पेश कर रहे हैं। उनकी नई पेशकश है अनबिलीवेबल सॉन्ग का हालिया रिलीज टीजर। जल्द ही रिलीज होने वाले इस सॉन्ग के जरिए वो शायकीन की खूब वाहवाही बटोर रहे हैं। शायकीन में इस गाने के रिलीज होने की बेसब्री बढ़ गई है। ये पहला मौका है जब टाइगर श्रॉफ सिंगिंग के मैदान में अपनी सलाहियत का मुजाहिरा कर रहे हैं। टीजर में उनका लुक बेहद ही अलग है। इसमें वो रॉक स्टार के तरह हाथ में माइक थामे इस गाने को अपनी आवाज भी देते नजर आ रहे हैं। पुनीत मल्होत्रा की हिदायतकारी वाले इस अनबिलीवेबल सॉन्ग के टीजर से टाइगर श्रॉफ धमाल मचाते नजर आ रहे हैं। इस ट्रैक को डीजे मायने और अवितेश ने लिखा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।